हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम बनाने वाले हैं चिली पनीर। बहुत इजी रेसिपी है, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा एंड हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पनीर को चकोर शेप में काट लिया है। अब हम यहाँ पे इसकी कोटिंग करेंगे। तो हम अब इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे, 2 चम्मच हमने मैदा ऐड करा है इसमें, और साथ ही हम 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे। हल्का सा हम इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे, ये ऑप्शनल है। और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक घोल तैयार करेंगे। इसका घोल ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, थोड़ा सा। पे घोल बनकर तैयार है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च देंगे इसकी कोटिंग करने के लिए, ताकि इसमें काफी अच्छा क्रंचीनेस आए। फ्रेंड्स, हमने इसे अच्छे से कोट कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसको घोल में डिप करेंगे। साथ ही हमारा यहाँ पे कढ़ाई और ऑयल दोनों गर्म हो चुके हैं। हाफ हाफ करके हम फ्राई करेंगे इनको। ये देखिए, इसका घोल ऐसा होना चाहिए, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा मोटा। अब हम यहाँ पे इसको डिप करेंगे, ये देखिए। अभी हमें इसे स्टार्टिंग में नहीं छेड़ना है, अभी थोड़ी देर इसको हल्का सा पकने देंगे, वरना हम अभी इसको चलाएंगे तो ये टूट सकते हैं। अब हम इसमें हल्का हल्का ऑयल ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ कर देंगे। गैस की फ्लेम हमने तेज रखी है। अब हम इसको दूसरी तरफ साइड से पलट देंगे। फ्रेंड, ये फ्राई हो चुके हैं अच्छे से, काफी क्रंची हो गए हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे पनीर देखिए कितने अच्छे क्रंची फ्राई हुए हैं, ये देखिए। तो चलिए अब हम चिली पनीर बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, थोड़ा सा हमने ऑयल का यूज किया है यहाँ पे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे एक शिमला मिर्च को कट किया है ऐसे साइज में, और 2 प्याज कट किए हैं हमने, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन और 2 हरी मिर्च, इनको हमने बारीक चॉप कर लिया है। तो हमारा यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ये चॉप किए हुए अदरक लहसुन मिर्च ऐड कर रहे हैं। इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा गोल्डन हो जाए। तो ये गोल्डन हो चुका है, तो अब हम इसमें ये प्याज और शिमला मिर्च ऐड कर दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फ्लेम को हाई पे रख के इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट के बाद हमारी सब्जी पक चुकी है। तो अब हम इसमें सॉसेज ऐड करते हैं। अब हम साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा केचप ऐड कर रहे हैं।
एक चम्मच, और एक बड़ा चम्मच हम शेजवान सॉस का ऐड कर रहे हैं, साथ ही हम एक चम्मच और ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स लगभग हम यहाँ पे 2 चम्मच के करीब सोया सॉस ऐड कर रहे हैं, और साथ ही हम यहाँ पे अब 1 चम्मच विनेगर का ऐड करेंगे, और अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं, ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिला करके अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स जिस घोल का हमने पनीर के लिए यूज किया था, अब हम इसे थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा ग्रेवी इसकी थिक हो जाए। 2 चम्मच हमने इसे ऐड कर दिया है, अब अच्छे से मिला देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी ग्रेवी थिक हो चुकी है, ये देखिए। तो अब हम यहाँ पे पनीर ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे चिली पनीर रेडी है, तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे सर्व कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे चिली पनीर बनकर रेडी है, बहुत इजी रेसिपी है, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो जरूर 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 सब्सक्राइब करें एंड हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।